स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोफोस फायरवॉल के अंदर SSO ऑथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और उसको रूल्स के अंदर यूजर के साथ ऑथेंटिकेशन कराने के लिए कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले SSO ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोगों को AD पर सोफोस का S-TAS टूल कॉन्फ़िगर करना होगा, जो कि सोफोस की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने के बाद मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए पहले AD पर चलते हैं। ये मेरा AD है। तो जैसे कि मैंने पहले से ही S-TAS टूल डाउनलोड किया हुआ है सोफोस की वेबसाइट से, इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट सोफोस की वेबसाइट पर जाके वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्फिगर करते हैं S-TAS को। तो जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपको ये नेक्स्ट करने के लिए मुझे वेलकम टू द सोफोस ट्रांसपेरेंट ऑथेंटिकेशन सूट सेटअप विजार्ड नेक्स्ट। आप इसके पास डिफ़ॉल्ट पास को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट के साथ भी कॉन्फ़िगर करूँगा नेक्स्ट। उसके बाद क्या रहेगा, एडिशनल आइकन डेस्कटॉप आइकन बन जाएगा नेक्स्ट इंस्टॉल। उसके बाद आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुलेगी, यहाँ पे लिखा होगा टाइप ऑफ सेटअप। सो टाइप ऑफ सेटअप क्या है कि इसमें तीन टाइप के सेटअप्स होते हैं। पहला SSO सूट फुल, जिसमें आपको STA कलेक्टर भी होगा, STA एजेंट भी होगा, या फिर आप अगर आपके पास मल्टीपल ADs है तो आप एक पर STA कलेक्टर डाउनलोड कर लीजिए, कॉन्फ़िगर कर दीजिए, और दूसरे पे एजेंट। तो आपस में STA एजेंट STA कलेक्टर से साथ बात करके वो फिर हमारे फायरवॉल के साथ ऑथेंटिकेशन को इस्टेब्लिश कराएगा। तो अभी हमें फुल को करेंगे, हम फुल करेंगे बिकॉज क्योंकि मेरे पास अभी एक ही AD है, तो मैं भी फुल SSO ऑथेंटिकेशन सूट के साथ इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि इसकी सर्विस को अलाउ करने के लिए एक यूज़र ID की ज़रूरत होती है यहाँ पर। तो आप या तो आप एक सर्विस अकाउंट बना के भी ऑथेंटिकेट करा सकते हैं, या फिर लोकल AD के जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है उसके साथ भी करा सकते हैं, या फिर आप कुछ भी, मतलब आप अपने जिसका आप एक यूज़र ID बनाते हैं नेटवर्क का, जो इसके साथ ऑथेंटिकेट कराए और वो आपके फायरवॉल के साथ कम्युनिकेट करे, तो उसके भी करा सकते हैं। तो ये अप टू यू है, जो भी आप करना चाहें। तो मैं यहाँ पे लोकल अकाउंट के साथ कॉन्फिगर कराऊंगा। तो जो मेरा AD का है डोमेन नेम, तो पहले मैं डोमेन नेम डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिनिश। तो जब आप फिनिश करेंगे तो इसका आइकन बन के आ जाएगा यहाँ पर। तो उस आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो आएगी आपके पास, यहाँ पे लिखा है जनरल ST एजेंट ST कलेक्टर एजुकेशन एक्सक्लूजेशन लिस्ट एंड एडवांस एडवाउट। तो अभी ये सर्विस बंद है, स्टेटस में सर्विस अभी बंद दिखा रही है, एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल अपडेट। तो अभी हम लोगों ने कुछ भी कॉन्फिगर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर अभी करेंगे। तो सबसे पहले जनरल पे चले जाएंगे, ST एजेंट वो होता है जहाँ पे जो आपको नेटवर्क में, जिस नेटवर्क पर SSO ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कराना है वो यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगर करेंगे। ST कलेक्टर जो आपके फायरवॉल का IP है वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल IP है फायरवॉल, यानी मल्टीपल फायरवॉल है, तो उनके मल्टीपल IPs को यहाँ पे ऐड कराना होगा आपको। एक्सक्लूजन लिस्ट, यानी कि जो नेटवर्क को SSO ऑथेंटिकेशन से बाईपास करना है, तो वो आपको यहाँ पे उसकी नेटवर्क की लिस्ट डालनी पड़ेगी या PC की लिस्ट डालनी पड़ेगी। एडवांस में इसका लॉगिंग, मतलब लॉग फाइल कितने की बने, बाई डिफॉल्ट 10 होती है, तो मैक्सिमम फाइल आप 20 MB की बन सकती है। सो लाइव यूज़र कितना है वो यहाँ से आप सबको देख सकते हैं। ट्रबल शूटिंग, यानी ST जो हमारा ST कलेक्टर है उसके यहाँ से पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, सोफोस पिंग हो रहा है बोले, वो सारी चीज़ आप एडवांस में जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से इसे कॉन्फिगर करते हैं। तो पहले जनरल टैब पर जाएंगे, यहाँ पे कह रहा है डोमेन टाइप। तो डोमेन हमारा जो डोमेन है आपका, आप वो आप AD का डोमेन अपना यहाँ पे डालेंगे। तो मेरा जो मैंने बनाया हुआ है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद फुली क्वालिफाइड डोमेन नाम डालूंगा। उसके बाद एजेंट, जो मेरे को नेटवर्क मॉनिटर कराना है उसको मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालूंगा। तो मेरा जो नेटवर्क है वो मैं करा रहा हूँ। उसके बाद जो कलेक्टर, यानी कि जो मेरी फायरवॉल है उसका IP मैं यहाँ पे डालूंगा। तो मेरे जो फायरवॉल का IP है वो मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया।
उसके बाद मैं इनेबल लॉग ऑफ डिटेक्शन, यानी कि या तो मैं यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है यानी जो एडी की लॉग इन इन्फॉर्मेशन है वो मैं फायरवॉल के साथ शेयर करूँ, तो मेरे दो दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो फायरवॉल पर भी मिलता है आपको ऑप्शन, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरी फायरवॉल है दोस्तों। तो एक अब जब ऑथेंटिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे एस टास्क के अंदर जाएंगे आप, तो एक तो ये आपको ऑप्शन मिलता है जब आप ये आप इनेबल कर देंगे, और यहाँ पे इनेबल यूज़र इनएक्टिविटी, तो या तो एक यहाँ से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली एडी पर जाके उसको इनेबल कर सकते हैं। तो मैं एडी वाला नहीं करता हूँ, मैं फायरवॉल वाला करता हूँ। एडी वाला करने के लिए हम बाद में बताएंगे, तो इसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें फायरवॉल का ऑन करना है। बाकी इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारी फायरवॉल अपने एडी के साथ पिंग हो रहा है या नहीं, यानी कि हमारे जो एजेंट है डाला है हमने वो है। उसके बाद पिंग सक्सेसफुली आ गया, उसके बाद ओके कर देंगे, उसके सर्विस स्टार्ट करेंगे, देखते हैं सर्विस स्टार्ट होती है नहीं। ओके, तो सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अब हम अपने फायरवॉल पर जाएंगे, फायरवॉल पर जाने अब हम यहाँ पर सर्वर में जाएंगे, सर्वर को ऐड करेंगे, यहाँ पर सर्वर का नाम दे दीजिए, सर्वर का नाम दे दिया, मैं सर्वर का आईपी दे देता हूँ। आपको अपने सर्वर का आईपी देना होगा जो भी आप एडी सर्वर है। यहाँ पे कनेक्शन सिक्योरिटी है, तो एक्चुअली कनेक्शन सिक्योरिटी में तीन टाइप मिलते हैं हम लोगों को, प्लेन टेक्स्ट, SSL TLS और स्टार TLS। तो अभी मेरे पास, मैं अभी सर्वर पे कोई भी सिक्योरिटी यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एज ए प्लेन टेस्ट से कॉन्फिगर करूँगा। यहाँ पे नेट वाई नेम, उसके बाद यहाँ पे यूजर अकाउंट, उसका पासवर्ड, एट्रीब्यूट, डिस्प्ले एट्रीब्यूट में कुछ भी डाल सकते हैं, ID01 मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे फुली डोमेन नेम डालना है आपको, उसके बाद सर्च क्वेरी है, तो DC=DSolution जो आपका डोमेन है, उसके बाद कॉमा DC=.com या .net भी, जो भी आपका है डोमेन आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना। ऐड कर देता हूँ, अभी मैं टेस्ट करता हूँ कनेक्शन, तो कनेक्शन सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है मेरी फायर एडी के साथ। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ, तो ये हो गया आपकी कनेक्टिविटी। हम लोगों ने एडी सर्वर को यहाँ पे कॉन्फिगर कर दिया फायरवॉल के साथ, और हमने एडी पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन सेव कर दी, राइट। उसके बाद एक ऑप्शन आता है एस टास्क, तो अभी जैसे कि ये ऑप्शन मैंने पहले से ही ऑन किया, तो आप इसको ऑन, ये ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप ये ऑन नहीं करेंगे तो ये इनेबल नहीं होगा, तो ओके कर देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वहाँ की लॉगिन पूलिंग को नहीं ले रहा हूँ, मैं फायरवॉल की पूलिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इनएक्टिविटी टाइमर क्या होता है, इनएक्टिविटी टाइमर वो जब यूज़र अपने लॉगिन करने के बाद अपने लैपटॉप पर कुछ नहीं करता, यानी अपने सिस्टम पर कुछ नहीं करता, तो वो सेशन को डिसकनेक्ट कर दे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 5 मिनट डाल देता हूँ, 5 मिनट डाला हुआ है, या फिर आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ 10 मिनट कर देता हूँ। कलेक्टर, कलेक्टर मतलब ऐड न्यू कलेक्टर, तो जो मेरा कलेक्टर यानी कलेक्टर वही जो आपका एडी सर्वर है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड न्यू कलेक्टर के हिसाब से एडी का भी डाल के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही किया को कर लिया है, ठीक है। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन एसएसओ ऑथेंटिकेशन की फायरवॉल के साथ। अब अपन देखेंगे
कि इस SSO ऑथेंटिकेशन को इनेबल कैसे करना है सर्विसेज में, तो उसके लिए आप सर्विसेज पे चले जाइए। जब आप कॉन्फ़िगर कर दोगे सर्वर, तो आपका सर्विस को यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सर्वर लिस्ट में आपका सर्वर शो होने लगेगा। तो बाय डिफॉल्ट तो लोकल रहता है, क्योंकि कोई सर्विसेज ऑन नहीं रहती है, यानी कोई ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं होती है। हम लोकल फायरवॉल के थ्रू ऑथेंटिकेट कराते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। तो उसके बाद अब यहाँ, लेकिन जब हमारा AD ऐड हो जाता है, तो हम इसको AD को यहाँ पर ऐड कराना होगा। ऐसे ये तो हो गया ऑथेंटिकेशन के लिए, ये SSL के लिए, यूज़र पोर्टल यानी कैप्टिव पोर्टल के लिए आप जब करेंगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा। तो ये भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है और ये अप्लाई भी कर दिया है। यूज़र पोर्टल ऑथेंटिकेशन SSL ऑथेंटिकेशन, यानी VPN पर भी ऑथेंटिकेशन है। तो हमें VPN अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, VPN वाली हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे ऑथेंटिकेट कराना है। उसके बाद अब चलते हैं AD पर, क्योंकि अब हमने AD तो कॉन्फिगर कर लिया, लेकिन अब वहाँ पे यूज़र अकाउंट को भी तो ऑथेंटिकेट कराना है हमारे फायरवॉल के साथ। तो सबसे पहले हम AD पे चलते हैं। AD पे जाने के बाद हम कमांड टाइप करेंगे सर्च में DSA.msc। तो DSA.msc से आप यूज़र अकाउंट वाले पोस्टर एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूज़र एंड कमांड में चले जाएंगे कंप्यूटर्स के अंदर। अब यहाँ को हम लोग को यहाँ पे ना यूज़र ग्रुप बनाना है या यूज़र बनाना है, तो हम यूज़र ग्रुप बनाएंगे सबसे पहले। तो सपोज डैट जैसे मैंने IT टीम का बनाया हुआ है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो न्यू पे जाऊँगा, ग्रुप पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं ग्रुप बनाता हूँ डिफ़ॉल्ट। इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि ये सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा, बस इसे ओपन करना है। अब इस ग्रुप में हम लोगों को यूज़र ऐड कराने हैं, तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस ग्रुप में मेंबर में जाऊंगा, या फिर मैं सीधे यहाँ पे यूज़र पे जाता हूँ, यूज़र को कराता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से रहेगा। जैसे टेस्ट है, तो पहले मैं टेस्ट का पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता। टेस्ट टू को भी करा देता हूँ। और मैं अपने ID को भी करा लेता हूँ। तो मैं ID डिपार्टमेंट में, जैसे मैं अमित शर्मा के नाम को भी ऐड करा लेता हूँ। चलो ठीक है, तो ये तो यूज़र हैं। अब मैं इन यूज़र्स को उस ग्रुप में ऐड कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र के प्रोफाइल पे जाऊंगा, मेंबर ऑफ में जाऊंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो ग्रुप दिखा रहा है, जैसे सोफोस डिफ़ॉल्ट एक्सेस दिखा रहा है, तो मैं इसे रिमूव करके जो मैंने अभी ग्रुप बनाया उसको ऐड कराऊंगा डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सेस। अप्लाई ओके। डिफ़ॉल्ट ओके। अब मैं जो मेरे तीसरा मेरा अकाउंट है उसको भी जाता हूँ, मेंबर ऑफ में देखता हूँ। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस को अलाउ करा देता हूँ। उसके बाद अब हम फायरवॉल पे जाएंगे। ये जो ग्रुप बनाया है, हम लोगों को फायरवॉल पे प्रेजेंट कराना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे ऐड कराना पड़ेगा। तो ये फायरवॉल है, यहाँ जाऊंगा, सर्वर पे जाएंगे अपन। उसके बाद ये ऑप्शन आता है अपने पास इंपोर्ट, तो इंपोर्ट पे जाएंगे। जब ये इंपोर्ट करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट सॉरी, यहाँ पे जो आपका डोमेन होगा वो यहाँ पे दिखेगा, जो हमने उन्हें ऐड कराया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ग्रुप्स बनाए हैं हम लोगों ने, वो ग्रुप्स दिखने लगेगा। IT ग्रुप डिफ़ॉल्ट इंटरनेट, तो डिफ़ॉल्ट इंटरनेट को सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा।
ये सेटिंग्स को आप डिफॉल्ट रहने दीजिए, इसको भी नेक्स्ट करके ओके कर दीजिए और क्लोज। तो जैसे ही आप यहाँ से इंपोर्ट कराएंगे तो वो ग्रुप्स आपको ग्रुप्स वाले टैब में शो होने लगेगा, डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सेस। अब क्या है कि हम लोगों को इस ग्रुप के थ्रू एसएसओ ऑथेंटिकेशन कराना है, तो सबसे पहले आप सर्विसेज में जाइए, सर्विसेज में जाके यहाँ पे डिफॉल्ट ग्रुप आ रहा है यहाँ पे फायरवॉल का, तो उसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन कीजिए और यहाँ पे डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सेस सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद अब हम रूल बनाएंगे, तो हम रूल बनाएंगे, यहाँ जाएंगे नेटवर्क रूल बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, या तो जो मैंने डिफॉल्ट रूल बनाया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, जिसके थ्रू इंटरनेट चल रहा है, दिस वन इंटरनेट रूल। तो यहीं पे हम पहले एसएसओ जो ग्रुप है हम ग्रुप से ऑथेंटिकेट करा लेते हैं, ठीक है। तो हम इसी ग्रुप में या तो आप चले देखते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं तो चले देखिए, दोबारा से मैं रूल बना देता हूँ जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि मैंने सेम नाम रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं एक्शन में अप्लाई कर देता हूँ, लॉक फायरवॉल ट्रैफिक टॉप पर रखता हूँ। यहाँ पे मैं लैन टू वैन रूल बनाऊँगा, सोर्स जोन में लैन आ जाएगा, नेटवर्क में मेरा जो मेरा नेटवर्क है वो आ जाएगा 10.LocalLAN, जो हम लोगों ने वहाँ पे पास कराया है उसको आप चाहो तो देख सकते हो। ये देखिए ये वाला नेटवर्क हम लोगों ने एसएसओ में पास कराया था, वही आपको नेटवर्क यहाँ पे लेना है। इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। इसके बाद वैन पर जाएंगे, अप्लाई करेंगे, डेस्टिनेशन नेटवर्क में एनी और सर्विस में फ़िलहाल के लिए हम एनी लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वैन आता है एसएसओ के लिए, मैच नॉन यूज़र, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज़र एंड ग्रुप, तो एनी है बाय डिफ़ॉल्ट, आप इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आप नेटवर्क का जो हम लोगों ने बनाया ग्रुप जो हमने वहाँ से इंपोर्ट कराया था उसको एक्सेस करके इसको यहाँ पे हम नेट करेंगे, नेट करने के बाद अभी सिक्योरिटी फीचर में कुछ भी इनेबल नहीं कर रहा हूँ, वेब फिल्टर और एप्लीकेशन फिल्टर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वो सेव कर देता हूँ इसको। तो ये मेरा रूल बन गया है डिफॉल्ट इंटरनेट और यूजर ऑथेंटिकेशन जो हमने वहां से कराई थी। अब इसको टेस्ट करना है, तो चलिए चेक करते हैं टेस्ट करके, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं फायरवॉल को और अपने इसी मशीन पर दूसरे यूज़र आईडी से लॉगिन करते हैं। स्विच यूज़र करेंगे। अब ये हमारा जो हमने टेस्ट बनाया था यूज़र जो हमने उस ग्रुप में ऐड कराया था उससे मैं लॉगिन करूँगा। हो सकता है वो यूज़र आईडी गलत हो, टेस्ट टू भी हम लोगों ने ऐड किया था तो हम इसको भी देख लेते हैं। डोमेन से इसको लॉगिन कराया है इस मशीन को चेक करने के लिए कि हमारा सेशन एसएसओ बना है या नहीं बना आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसएसओ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये लॉगिन हो गया है, अब मैं सीएमडी में जाता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ पिंग
का जो आईपी है उसे पिंग कर लेता हूँ, पिंग हो रहा है। उसके बाद मैं इंटरनेट चेक करता हूँ, इंटरनेट पिंग हो रहा है, क्योंकि अगर जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ये मेरा इंटरनेट भी चल रहा है, अभी मैं ब्राउज भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इंटरनेट भी चल रहा है। अब देखते हैं फायरवॉल पर हमारा इसका सेशन क्या बना है। तो फायरवॉल पे लॉगिन कर लेते हैं 10.10.0.254:444। अब देखते हैं लॉग्स में जाते हैं, सॉरी लॉग्स में नहीं जाएंगे, हम फायरवॉल की सेटिंग में ही जाएंगे। यहाँ पर डायग्नोस में जाएंगे, सॉरी करंट एक्टिविटी में जाएंगे और लाइव कनेक्शन, तो लाइव कनेक्शन देखेंगे, सॉरी लाइव यूज़र देखिए। टेस्ट टू से हमने लॉगिन किया, SSO ऑथेंटिकेशन ये बन गया टाइप और ये इसका आईपी है। तो इस तरह से आप अपने मशीन को मतलब अपने यूजर्स को ग्रुप वाइज और नेटवर्क वाइज और यूजर वाइज आप SSO ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं SOFOS फायरवॉल के अंदर। तो यही था इस वीडियो में, मेरा मकसद रहता है कि आपको अच्छे से जो भी इशू है उसके बारे में आपको एक्सप्लोर करना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।